दुनिया में हर व्यक्ति को शांति, सुख, निर्बंधता, कल्याण प्रिय है। हर व्यक्ति शांति इच्छुक, कल्याण इच्छुक, निर्बंधता का इच्छुक, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, क्या साधन है, क्या नियम है, किन नियमों का, किन साधनों का पालन और प्रयोग करके हम अपने आप को निर्बंध बना सकते हैं और शांति कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। धम्मपदम तथागत बुद्ध की एक गाथा पर थोड़ी चर्चा इन्हीं संदर्भों पर। तत्राय मादि भवद पन्नस्य भिक्षुनो इंदी गुत्ति संतुष्टो पाति मुखे च संवरो मित्ते भजस कल्याणे शुद्धा जीविम अतंदितो। तथागत बुद्ध कहते हैं, कल्याण इच्छुक, शांति इच्छुक साधक को प्रारंभ में ही यह काम करना चाहिए। कौन से काम? इंदी गुत्ति, इंद्रियों पर संयम, संतुष्टि, संतोष, पातिमोक्षे च संवरो, नीति नियम मर्यादा का पालन, मित्ते भजस कल्याणे, कल्याण मित्र का भजन, सेवा, कल्याण मित्र कौन? शुद्धा जीविम अतंदितो, जिसकी आजीविका शुद्ध है और जो अतंद्रित है, पूर्ण जागरूक, होशपूर्वक, विवेकपूर्वक जीवन जीने वाला। सोचें कि हमारी अशांति का कारण क्या है, मन चंचल क्यों बना है। अशांति का कारण मन की चंचलता। मन चंचल क्यों है? इंद्रियों की लंपड़ता, इंद्रियों की चंचलता, बहिर्मुखता। साहब ने कहा है, तन राता मन जात है। जहाँ जहाँ हमारे शरीर को आराम मिलता है, इंद्रियों को उनके अपने विषय का आनंद मिलता है, वहाँ वहाँ हमारा मन दौड़कर चला जाता है। अमुक जगह गए थे, ऐसी बढ़िया चीज़ें खाने को मिली थी, अमुक जगह गए थे, कैसे आराम से रहने को मिला था, अमुक जगह गए थे, लोगों ने कितना बढ़िया स्वागत, सत्कार, सम्मान किया था। अब मन उन्हीं की याद में डूबा हुआ है, घटनाएं बीत गई हैं, मुर्दा हो गई है। अब न तो वे सम्मान करने वाले, स्वागत करने वाले लोग रह गए हैं, न वो जगह रह गई है, न वो चीज़ें जो खाए हैं वो चीज़ें रह गई है, लेकिन मन
अभी भी उन सब की याद कर कर के पुल कायमान हो रहा है। फिर उन्हीं चीजों को देखना सुनना चाहता है तो इंद्रियों की जो अनुकूलताएं होती हैं, मन प्रायः उनकी स्मृतियों में डूबा रहता है और चंचल बना रहता है, तो अशांति बढ़ेगी, तनाव बढ़ेगा। तो करना क्या है? इंद्रियों पर संयम। इंद्रियों पर संयम किए बिना कोई भी व्यक्ति मानसिक सुख शांति प्रसन्नता का अनुभव नहीं कर सकता है। साहब ने कहा है इसलिए, खाखा चाहे खोरी मनावे, यदि शांति चाहते हो खोरी को, गलियों को अर्थात इंद्रियों को मना लो। मनाने का अर्थ संयमित करो। संयम का अर्थ क्या है? सहज ढंग से हम समझे तो गलत का त्याग और जो आवश्यक है सही है उनका ग्रहण, उनका प्रयोग, ये संयम है। इंद्रियों पर संयम का अर्थ यह नहीं है कि हम उन पर एकदम पट्टी बांध दें और उन्हें रोक दें, उनका व्यवहार उनका प्रयोग न करें। जब तक जीवन है तब तक आँख नाक कान जीव त्वचा, ये जो इंद्रियां हैं, इनका प्रयोग करने के लिए हर आदमी मजबूर है। लेकिन कहाँ प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, ये तो देखना होगा। आंखें खुली है, अब आंखों पर पट्टी बांध कर या आंख बंद करके हम रास्ता नहीं चलेंगे, ठोकर लगेगी, गड्ढे में गिरेंगे, कीचड़ कांटे कंकड़ों पर पैर पड़ सकते हैं, परेशानी बढ़ेगी। तो रास्ता चलना है, काम करना है, तो आंखों को खोल कर रखना होगा ना। लेकिन खोल कर रखना है, आंखें खुली रहेगी तो दृश्य सामने आते रहेंगे। तो ऐसे दृश्यों को नहीं देखना है जिन दृश्यों को देखने से मन चंचल हो, विकारी हो और उसमें उत्तेजना आए। सबसे पहले आंखों पर संयम की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा मन आंख के साथ मानो चलता है। नयनन आगे मन बसे, पलक पलक करे दौड़। नेत्रों के आगे आगे मन बसता है, जो जो दिखाई पड़ता है मन उनका मनन करना शुरू कर देता है। कोई सुंदरी युवती दिखाई पड़ी, स्त्रियों को सुंदर युवक दिखाई पड़ गया, अब मोहित हो गया मन। चंचल बन गया, संयम कर लिया होते, इसलिए कहा जाता है कि एक टक मत देखो, विजाति घट की तरफ एक टक नहीं देखना चाहिए। कहते हैं कि एक सुंदर युवक क्या प्रौढ़ गया था, 40-45 साल की उम्र हो गई रही होगी, लेकिन देखने में बड़ा सुंदर, हर प्रकार से योग। जब वो गांव की गलियों से होकर गुजरता था तो इतना वो उसका आकर्षक व्यक्तित्व था कि गांव की महिलाएं युवतियां उन्हें छिप करके देखती थी। अब वो व्यक्ति
किसी तरफ ध्यान नहीं देता था, बस सिर गड़ा करके निकल जाता था। किसी ने पूछा कि तुम गांव की गलियों से निकलते हो तो अनेक युवतियां, अनेक स्त्रियां तुम्हें छिप छिप करके देखती हैं, लेकिन तुम आंख उठाकर किसी की तरफ देखते नहीं हो, क्या कारण है? उन्होंने कहा, भैया 20 साल पहले आंख उठाकर देखा था, ओ उसका सजा भी भोग रहा हूं, अब कहां तक आंख उठा करके देखूं? तो आंख उठा करके देखना, एक तक देखना, मन में विकार आएगा, चंचलता आएगी, उत्तेजना आएगी, परिणाम ये तो एक विषय पर ही है, मतलब ऐसे दृश्यों को ना देखें जिससे मन में चंचलता, विकार, उत्तेजना आए, ऐसे शब्दों को ना सुने जिनसे मन में विकार उत्पन्न हो, चंचलता उत्पन्न हो, ऐसी चीजों को ना खाएं, ऐसी वस्तुओं की स्पर्श ना करें जिनसे मन विकारी और चंचल बने। किंतु जीवन निर्वाह के लिए जो अत्यंत आवश्यक है, औषधिवत उनका प्रयोग कर लें, बस ये इंद्रियों पर संयम करना है। जो भी प्रयोग करना हो, इंद्रियों के जो भी विषय हैं इनका ग्रहण करना हो, तो मात्र औषधिवत दवा खाए भूल गए, याद नहीं, मोह नहीं, राग नहीं, कोई आसक्ति नहीं, जीवन निर्वाह मजबूरी है, इसके बिना जीवन चल नहीं सकता, लेकिन हम सावधानी नहीं रखते हैं, राग बना लेते हैं, मोह बना लेते हैं, जो जो अनुकूल लगा, जो जो मन को अच्छा लगा, प्रिय लगा, बस मन को उसमें जोड़ते चले गए, बांध लिए, अब उनके चिंतन में डूबा हुआ है मन, तो चंचल बना रहेगा, अशांत बना रहेगा, चिंता में डूबा रहेगा, शांति कैसे मिलेगी? कहीं भी रहें, घर में रहें, वन में रहें, अपने आप पर संयम की महती आवश्यकता है। कहीं भी अव्यवस्था है जीवन में, थोड़ा सा भी दुख है जीवन में, तो समझना चाहिए हमने कहीं ना कहीं पर असंयम किया है। पेट भारी है, शरीर भारी है, मस्तक भारी है, शरीर में गर्मी है, तो हमने कहीं ना कहीं खाने पीने में, सोने जागने में असंयम किया है। जो कुछ कष्ट जीवन में है, जो कुछ परेशानी जीवन में, उसका परिणाम असंयम। समझना होगा कि कहां हमने असंयम किया है, कहां हमसे भूल हुई है। पूर्ण संयम हो, हर बात में संयम, खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, काम धाम करने में, बात में, व्यवहार में, सोचने में, दुख कहां से आएगा? असंयम ही दुख का प्रवेश करने का द्वार है। जब हम असंयमित हो जाते हैं, मानो दुख को दरवाजा मिल जाता है हमारे भीतर प्रवेश करने का, और आकर्षक माने गए दृश्य, आकर्षक माने गए, सुखद माने गए भोग आए, इंद्रियां चंचल, मन अचंचल, दुख भीतर घुस गया, अशांति प्रवेश कर गई, मानो कलयुग घुस गया। कहते हैं ना कि कलयुग घूमता रहता है। राजा नल
जब दमयंती से शादी हुई उनकी तो कलयुग को बड़ा कष्ट हुआ, गुस्सा हो गया कि इसका मैं परेशान करूंगा। तो कैसे अब नल के शरीर में कलयुग कैसे परेशान करे, वो तो बहुत साधारण से इसे काम करता था, बहुत साधारण रहता था। लेकिन कलयुग दांव फोज रहा था। एक बार राजा नल को थोड़ी सी सावधानी हुई, कुछ सफाई शुद्धता में कलयुग को जगह मिल गई, उसी रास्ते से प्रवेश कर गया। ऐसे कलयुग क्या है? कलयुग कुछ और नहीं है, ये दुख कलयुग है, अशांति कलयुग है। थोड़ी सी सावधानी होती है, उसको जगह मिल जाती है हमारे भीतर घुसने के लिए। इसलिए पूर्ण सावधानी, पूर्ण संयम और यदि हमारे जीवन में पूर्ण संयम है तो दुख को अंदर प्रवेश करने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। पूर्ण संयमी आदमी कभी दुखी हो ही नहीं सकता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, सदा रहे सुख संयम अपने। आत्मसंयम का जो सुख है, सब प्रकार से संयम, बाहर संयम भीतर संयम, उसका सुख सदा रहने वाला। और सदा रहने वाला सुख है तो दुख कहाँ आएगा फिर? तो पहली बात है इंद्रि गुत्ति, अपने आप पर पूर्ण संयम। जो कुछ इंद्रियों से हम ग्रहण करना हो मात्र औषधिवत, मजबूर हो करके। दूसरी बात है संतुष्टि, संतोष, अपने को जो कुछ मिला है उसको बहुत मानना, उसमें तृप्त रहना, इसका नाम संतोष। लोग प्रायः ये भी कहते हैं कि यदि हम संतोष कर लें तो विकास कैसे होगा, आगे कैसे बढ़ेंगे? आगे बढ़ना है, विकास करना है तो असंतोष चाहिए। असंतोष से विकास नहीं होता, असंतोष से जी जलता है। विकास तो होता है, उन्नति होती है परिश्रम से। तो परिश्रम करने को कौन रोक रहा है आपको? संतोष का अर्थ क्या है? प्राप्त समय शक्ति योग्यता के अनुसार भरपूर परिश्रम करना, परिश्रम करने में कोई कमी ना रखना, डूब करके समर्पित होकर परिश्रम करना और उस परिश्रम से जो मिल जाए उसमें तृप्त रहना समझना बहुत है, ये संतोष। और जब तक यह भाव नहीं आएगा तब तक आपको चाहे कितना भी मिल जाए आप सुखी नहीं हो सकते। जो है आपके पास, जितना है आपके पास, समझे बहुत ज्यादा है। ये सोचें कि दुनिया में करोड़ों ऐसे लोग हैं उनके पास तो उतना भी नहीं है जितना आपके पास है। और जब उनका जीवन चल रहा है आराम से तो आपका जीवन क्यों नहीं चल सकता? तनाव में क्यों आदमी, चिंता में क्यों? असंतोष के कारण। धम्मपदम में ही एक कहा गया है, सलाभम नाति मन्ने नान्येषं पिहियं चरे अन्येषं पिहियं चरे भिक्खु समाधिं नाधिगच्छति।
सलाभम नाति मन्ने, अपने को जब जो कुछ मिले उसको थोड़ा ना समझे, समझे कि जितना मिला है बहुत है। नान्यसम पिहियम शरे, दूसरों के पास जो चीजें हैं उनको देख करके ललचाए ना, उनकी इच्छा ना करें कि वो चीजें मुझे मिल जाती। अन्येषम पिहियम चरे भिक्खु, जो व्यक्ति जो साधक दूसरे की वस्तुओं को देख करके उनकी चाहना में डूबा रहता है, समाधिम नाधिगच्छति, वह शांति को नहीं प्राप्त कर सकता, उसकी समाधि लगेगी नहीं, उसका ध्यान नहीं लगेगा, उसे शांति नहीं मिलेगी। अपने को जो मिला है उसमें तृप्त नहीं है, देख रहा है दूसरे की चीजों को, तो शांति से जिएगा कैसे। असंतोषी आदमी अपने को प्राप्त वस्तुओं का आनंद लेना नहीं जानता, उसे आनंद दिखाई पड़ता है दूसरे के पास जो चीजें हैं उनमें। और जिसका मन ऐसा है वो सुख से जी कैसे सकता है। इसलिए दूसरे की चीजों की तो इच्छा ही मत करो। गुरुजी अक्सर कहा करते थे, तुम्हारे पास मोटरसाइकिल नहीं है, तुम्हारे पड़ोसी के पास मोटरसाइकिल है और तुम्हारे पास मात्र साइकिल है, तो अपने पड़ोसी की मोटरसाइकिल को देख करके लालच मत करो, ये समझो कि मेरा मोटरसाइकिल मेरे लिए हेलीकॉप्टर है, अपने साइकिल को हेलीकॉप्टर मानो। लेकिन आदमी ऐसा कहां करता है, ललचाता रहता है मन। परिश्रम करें और संयम से जिए। जब आपके पास इतना पैसा हो जाएगा कि आप मोटरसाइकिल खरीद लें, तब आप मोटरसाइकिल खरीद लेना और उसका आनंद लेना। और अभी तो एक नई साइकिल लेने के लिए पैसा नहीं है और ललचा रहे हैं मोटरसाइकिल के लिए, तो क्या होगा, दुख भोगना पड़ेगा। तो किसी चीज को देख करके ललचाए ना, जितना है जो है उतना पर्याप्त, हर स्थिति में संतोष, हर स्थिति में संतोष। संतोषी सदा सुखी इसीलिए कहा गया है, संतोषी आदमी को कभी दुख का अनुभव होगा ही नहीं। वस्तुओं की कमी, वस्तुओं का अभाव दुख नहीं देता है, दुख देता है, दुख देती है अभाव की अनुभूति। मन में अभाव की अनुभूति का बने रहना, हाय मेरे पास ये चीज नहीं रह गई, मेरे पास वो चीज नहीं रह गई है, मेरे पास ये चीज नहीं है, ये अनुभूति जो बनी रहती है मन में, कमी का अनुभव होता रहता है, दुख इससे मिलता है। नहीं तो बहुत थोड़ी चीजों में भी कितने लोग बड़े आराम से जी रहे हैं, बहुत आराम से। लेकिन आदमी का मन और की चाहना में, और की चाहना में, और यदि और की चाहना है तो आप स्वर्ग में चले जाओ। कहते हैं स्वर्ग में हर प्रकार का सुख, और स्वर्ग में भी चले जाओगे ना और की चाहना है तो वहां भी सुख से जी नहीं सकेंगे। और स्वर्ग में जाने की तो बात अलग, आप स्वर्ग का राजा बन जाओ। कहते हैं कि इंद्र स्वर्ग का राजा,
अब स्वर्ग का राजा भी बन जाएंगे और संतोष नहीं है मन में, तो वहां भी दुखी बने रहोगे, वहां भी भयभीत बने रहोगे। इंद्र बन करके यदि आदमी पूर्ण सुखी हो जाता, इंद्र बनने के बाद पूरा संतोष मन में हो जाता, तो इंद्र अहिल्या के साथ छल कपट क्यों करता, इंद्र अहिल्या के साथ दुराचार क्यों करता? मतलब इंद्र भी असंतुष्ट है, उसे सुख वहां दिखाई नहीं पड़ रहा है, सुख दिखाई पड़ रहा है धरती में, इसीलिए तो इंद्र को अहिल्या के साथ छल करना पड़ा। कहां संतुष्ट है आप इंद्र? समझ जब तक सही नहीं होगी, अपने आप पर जब तक संयम नहीं होगा, तब तब आप चाहे स्वर्ग में चले जाओ और स्वर्ग के बादशाह सम्राट राजा बन जाओ, तब तक सुख से नहीं जी सकोगे। और यदि हमारी समझ सही है, अपने आप पर संयम है, तो इसी धरती में हर समय स्वर्ग है, हर समय स्वर्ग, जहां जाए वहां स्वर्ग। बस आत्मसंयम चाहिए और सही समझ चाहिए, सुख का रास्ता यह है। चीजों से मात्र सुविधा असुविधा होती है, चीजें कम हैं थोड़ी असुविधा होगी, चीजें ज्यादा है थोड़ी सुविधा हो जाएगी। बस चीजों से, चीजों की कमी या चीजों की बढ़ोतरी, इससे सुख दुख शांति शांत से कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन हमने सुख को आनंद को जोड़ लिया है चीजों से, जिसके पास ज्यादा चीज वो ज्यादा सुखी, जिसके पास कम चीज वो कम सुखी, जिसके पास चीज बिल्कुल नहीं वो बिल्कुल सुखी नहीं है, बिल्कुल दुखी। यदि ये नियम होता, चीजें ज्यादा सुख ज्यादा, चीजें कम सुख कम, और चीज बिल्कुल नहीं तो सुख बिल्कुल नहीं, तो जंगल में रहने वाले वैराग्यवान संत जीवन में कभी सुखी नहीं होते। और होता क्या है, राजा महाराजा भी राजपाट छोड़ करके जंगल जाकर के साधु बन जाते हैं। क्यों? उनके पास क्या कमी है? यदि चीजों से सुख मिलता तो राजाओं के पास कौन सी कमी, फिर उन्हें राजपाट छोड़ करके साधु बनने की क्या आवश्यकता, वहां तो कुछ भी नहीं है ना। तो यदि चीजों से सुख मिलता, धन से सुख मिलता, तो जीवन में साधु कभी सुखी नहीं होते, क्योंकि इनके पास तो राजपाट है ये नहीं है, रुपये पैसे खजाना है ही नहीं, जो कुछ है आप लोग दे देते हो थोड़े बहुत पूजा में, वो मिल जाता है। फिर तो महात्माओं को जाना चाहिए आपके पास, भैया बताओ सुख का रास्ता क्या, हम लोग तो घर बार छोड़कर बड़े दुखी हो गए, फंस गए झंझट में, क्या ऐसा होता है? आप लोग आते हो उनके पास, आपके पास तो हर चीज है ना, सब प्रकार की चीजें हैं, सुविधाएं हैं, बड़ा मकान, बड़ा परिवार, रुपये पैसे, जमीन जायदाद सब है, फिर साधुओं के पास क्यों आ रहे हो? तो चीजों से सुख नहीं मिलेगा, चीजें मिल सुख मिलता है संतोष में, इच्छाओं पर जब संयम हो गया, इच्छाएं मिट गई तब। इसलिए किसी ने कहा है, मजा जो है फकीरी में अमीरी क्या समझ पाए, इसे हरदम खुशी रहती उसे हरदम लगी हाय। फकीरी में जो मजा है अमीर आदमी उसे क्या समझ पाएगा, फकीर को कोई चिंता ही नहीं है, और अमीर को तो हाय 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 हाय। इल्ले कबीर साहब ने कहा, मन लागो मेरो यार फकीरी में, फकीरी सारी पकड़ते रहित दशा, फकीरी पूर्ण संतोष की दशा, आत्मतुष्टि की दशा, आत्मतुष्टि की स्थिति, आत्मसंयम की दशा। फकीरी और क्या है, आत्मसंयम, आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि, पूर्ण निर्भयता, ये फकीरी है। और निर्भयता कब होगी,
जब मन इच्छाओं कामनों से जितना अधिक संग्रह होगा हमारे पास उतना अधिक भय होगा। लोभी आदमी, असंतोषी आदमी कभी भय मुक्त हो ही नहीं सकता है। उसे हरदम में लगा रहेगा कि जो चीजें हैं वो घट न जाए, बिगड़ न जाए, छीन न ले कोई। संग्रह हुआ, जितने मात्रा में संग्रह, जितना ज्यादा संग्रह उतना ज्यादा भय, उतनी ज्यादा चिंता, उतना ज्यादा अविश्वास। इसीलिए अपरिग्रह को एक व्रत कहा गया है। अपरिग्रह संग्रह की भावना से रहित, लेकिन ये भी मानना पड़ेगा व्यवहार में कुछ संग्रह करना पड़ता है, और खास करके आप गृहस्थी में हैं, परिवार वाले हैं, आपकी जिम्मेदारी है, तो संग्रह तो करना पड़ेगा। लेकिन संग्रह करना अलग बात, और लोभ होना, लोभी बनना, इच्छाओं के पीछे दौड़ते रहना, ये अलग बात। मेहनत करें, खाएं खिलाएं, खाने खिलाने के बाद स्वाभाविक जो बच जाए वो संग्रह होता चला जाएगा। लोभ पूर्वक संग्रह करेंगे तो ना तो ठीक से खा पाएंगे, ना खिला पाएंगे, हाय हाय में कलह करते करते, विवाद करते करते मर जाएंगे। इसलिए संतोष की जरूरत, लोभ में ना पड़े। मैंने कहा कि लोभ जब बढ़ेगा, संग्रह जब बढ़ेगा तो दुख आएगा ही आएगा, चिंता होगी, भय होगा, आप बच ही नहीं सकते। इसी के लिए तो उदाहरण दिया करते थे, दिया जाता है कि गुरु शिष्य एक जंगल के पास, जंगल के बाहर कुटी बनाकर रहते थे। जंगल के उस तरफ कई गांव थे, दोनों सुबह वहां निकलते थे घर से अपने आश्रम से, शाम तक भीख मांगते थे, आते थे, जो कुछ मिल जाता था बना खा करके मस्त रहते थे। जंगल पार करके जाना पड़ता था। एक दिन दोनों गुरु शिष्य इकट्ठे हुए शाम के समय, अलग अलग रास्ते में जाते थे, अलग अलग गांव में भीख मांगने के लिए। शाम हुई, दोनों गुरु शिष्य इकट्ठे हुए, जंगल पार करके आ रहे थे। तो गुरुजी ने कहा कि बेटा जल्दी जल्दी चलो, कहीं अंधेरा ना हो जाए। शिष्य को लगा कि गुरुजी कभी नहीं कहते थे कि बेटा जल्दी चलो अंधेरा ना हो जाए, आज पहली बार कैसे कह रहे हैं। लेकिन शिष्य तो अपनी चाल में चलता रहा, गुरुजी थोड़ा तेज चलकर आगे बढ़ गए। कोई कहा बेटा थोड़ा जल्दी जल्दी चलो, कहीं अंधेरा ना हो जाए। फिर लगा कि क्यों आखिर गुरुजी कह रहे हैं, फिर चलता रहा। थोड़ी देर हुआ तब फिर कहा गुरु ने कि बेटा थोड़ा जल्दी चलो, कहीं अंधेरा ज्यादा ना हो जाए। तो लगा शिष्य को जरूर कोई ना कोई कारण है। आगे बढ़े, एक कुआं था रास्ता किनारे जंगल में। शिष्य ने कहा गुरु जी कुआं है, थोड़ा यहां बैठा जाए और निवृत्त हो दिया जाए, सोच मैदान हो लेते हैं फिर चलेंगे। गुरु जी ने कहा ठीक। गुरु जी पानी लिए अपने कमंडल में, चले गए मैदान तरफ। शिष्य ने गुरु जी की झोली टटोली, उसमें सोने की दो अशर्फियां, कहा ये है अंधेरा, दो अशर्फियां निकाला शिष्य ने और कुआं में डाल दिया। अब इसे गोल गोल चीजें खपड़ेल बना करके भीद करके गोल गोल से उसमें बांध दिया। शिष्य भी चला गया मैदान, दोनों आए फिर अपना हाथ पर धोए, निवृत्त हुए, चले। तो शिष्य तो मस्त चल रहा अपने ढंग से, और गुरु को जल्दीबाजी है। गुरु ने फिर कहा बेटा जल्दी चलो, कहीं अंधेरा ना हो जाए, अंधेरा घना ना हो जाए। तो शिष्य ने कहा गुरुजी अंधेरे के मैंने कुआं में डाल दिया है।
जो टटोला झोली निकाला खपड़ेल, कहे बेटा अंधेरा का यही रहे, रात रह लिया जाए, वो कुटिया निकाल जरूरत है। एक कहानी है, चाहे ऐसा हुआ हो या ना हुआ। तो जब लोभ बढ़ता है, संग्रह की प्रवृत्ति बढ़ती है, तो भय बढ़ता है, चिंता बढ़ती है, तनाव बढ़ता है, सुख खत्म हो गया। सुख से जीना है तो संतोष, लोभी प्रवृत्ति का त्याग करें, संग्रह प्रवृत्ति का त्याग करें। तो मैंने कहा था कि संतोष का अर्थ क्या है, समय शक्ति योग्यता के अनुसार भरपूर परिश्रम, और उस परिश्रम से जो मिल जाए उसको बहुत मानना, ये संतोष है। जब आपको जो मिला, जितना मिला समझे बहुत ज्यादा है, आवश्यकता से ज्यादा, इतने भी की आवश्यकता नहीं है, ये भाव मन में रखें। भय क्यों होगा, चिंता क्यों होगी, क्लेश में तनाव में मन डूबा क्यों रहेगा। सुख बहुत सस्ता है, शांति बहुत सस्ती है, कल्याण बहुत सस्ता है। सुख से, शांति से, कल्याण से सस्ती चीज तो दुनिया में कुछ है ही नहीं। लेकिन कल्याण महंगा हो गया है, शांति बड़ी महंगी हो गई है। क्यों? हमारी नासमझी, हमारी मूर्खता, हमारी लिप्सा के कारण, गलत आदतों के कारण। दुनिया में सबसे सस्ता काम और सबसे सरल काम यदि कुछ है तो वह है कल्याण का काम, मोक्ष का काम। कैसे? आप छोटा सा छोटा काम करना चाहोगे तो आपको पैसा लगेगा, बिना पैसे के आप छोटा छोटा काम भी नहीं कर सकोगे। छोटी छोटी चीज खरीदना चाहोगे तो पैसा लगेगा। आप अपने घर से यहां तक आए तो पैसा खर्च किया, गाड़ी मोटर में आपने पैसा खर्च किया, पैसा ना खर्च करते आप पहुंचते कहते यहां पर। तो छोटा सा छोटा काम करो तो आपको कुछ न कुछ पैसा उसमें लगेगा जरूर। सस्ती से सस्ती चीज खरीदो तो भी पैसा लगेगा जरूर। छोटी से छोटी नौकरी चाहिए आपको तो आपका डिग्री चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए, लेकिन कल्याण के लिए कौन पैसा लगेगा? इतना पैसा होगा तब कल्याण मिलेगा, इतनी डिग्री होगी, इतनी पढ़ाई होगी तब कल्याण मिलेगा। पढ़ाई के लिए, कल्याण के लिए ना पढ़ाई चाहिए ना आपको पैसा चाहिए। मन को समेट लिए, संयत कर लिए, स्वच्छ कर लिए, बस जहां है वहां कल्याण। कल्याण सदैव बिना पैसे के मिलता है और बिना डिग्री के मिलता है। सबसे सस्ता काम, सबसे सरल काम कल्याण। हम करना जाने तब और करना चाहें तब, लेकिन हमने अपनी आदत को बिगाड़ लिया है, इंद्रियों को बहिर्मुख और चंचल बना दिया है, भोग लोलुप बना दिया है, इसलिए कल्याण सबसे महंगा हो गया है। कोई भी आदमी, गरीब से गरीब आदमी, रोगी से रोगी आदमी भी और कोई काम कर पाए या ना कर पाए, कल्याण का काम कर सकता है। कल्पना करो, असाध्य रोग हो गया, आदमी इतना कमजोर हो गया कि बिस्तर पर पड़ गया, अब बिस्तर से उठना बैठना संभव नहीं है। जब तक जीना है उसी बिस्तर पर से सारी क्रियाकलाप होना है, खाना पीना, शौच, मत मूत्र, सब बिस्तर पर ही होना है। तो ऐसा रोगी व्यक्ति कौन सेवा का काम कर पाएगा? बल्कि सेवा को आवश्यकता तो उसको है, लेकिन ऐसा रोगी व्यक्ति भी यदि वो होश में है, उसकी बुद्धि बराबर काम कर रही है, शरीर से उठ लाचार है, उठ बैठ नहीं पाता, लेकिन पूर्ण होश में है, समझता है, बुद्धि बराबर काम करती है, तो वह असाध्य बीमारी से पीड़ित बिस्तर पर पड़ा हुआ व्यक्ति भी शांति का, कल्याण का काम कर सकता है। कैसे? वह सोच ले, देखो
यही शरीर, इस शरीर को आराम देने के लिए, इस शरीर को सुख पहुंचाने के लिए मैंने पता नहीं कितना कितना क्या क्या किया, कितना थी खिलाया पिलाया, कितना तो आराम से रखा। आज उसी शरीर ने मुझे इतना लाचार कर दिया कि मैं दूसरों के सामने विवश हो गया, दूसरों की कृपा का मोहताज हो गया। जब वो मुझे भोजन दे तब भोजन करूं, जब मेरी सफाई करे तब मैं उठूं बैठूं, मैं साफ रहूं, इतना लाचार, इस शरीर इतना पर्वत कर देगा। ऐसा सोच करके उसी बीमारी की दशा में बिस्तर पर पड़े पड़े शरीर के मोह को छोड़ दे, बस मुक्त हो जाएगा। कितना सस्ता है कल्याण, कितना सस्ता है मोक्ष। लेकिन हमें बात सोचते कहां इस ढंग से है, सोची हमारी गलत हो गई है ना। हम तो सोचते हैं बीमारी में पड़ गया हूं, लाचार हो गया हूं, शरीर सत हो जाता तो थोड़ा भोग को और भोग लेता, लड़के बच्चे को थोड़ा डांटता, कुछ गाली गलौज देता, कुछ ताम धाम करता, तब ये जीवन का आनंद मिलता। वहां भी हुई दशा है। ये नहीं सोचते हैं कि यदि बीमारी मेरी ठीक हो जाती तो सेवा करता, संतों के पास जाता, साधना करता। ये नहीं सोचेगा आदमी बीमारी ठीक हो जाता तो थोड़ा खेत चला जाता, धान ठीक ठाक बोए नहीं बोए हैं, दुकान चला जाता कि लड़के बच्चे लोग दुकान में काम ठीक ठाक करें, वहां भी मजबूरी। कितना बेच दिया है हम लोगों ने अपने आप को। मैं कह रहा था संतुष्टि, संतोष, जब जितना मिले जो मिले समझना उसको बहुत ज्यादा है, आवश्यकता से ज्यादा है। हर समय मन में ये भाव कि जितना मिला है आवश्यकता से ज्यादा है। दुख कहां पे होगा, असंतोष और अशांति के लिए जगह कहां होगी। इसलिए परिश्रम करें और हर समय संतुष्ट रहें। हाँ, असंतोष यदि मन में रखना है तो एक बात में रखिए असंतोष। ये भी मैं कहूंगा, भौतिक चीजों के लिए, खाने पीने भोगने के लिए सदैव संतुष्ट रहें। असंतोष यदि रखना है तो एक बात में रखिए, वो क्या बात में, जितना चाहिए उतनी सेवा नहीं कर पाया, जितना चाहिए उतना साधना नहीं कर पाया, जितना चाहिए उतना क्षमा गुण मेरे पास नहीं है, जितना चाहिए उतने दया का गुण मेरे पास नहीं है, जितना चाहिए उतना विवेक नहीं, जितना चाहिए उतना वैराग नहीं। यहां असंतोष कर लीजिए, फिर देखिए तो जीवन में कितना आनंद आएगा, कैसी प्रगति होगी साधना के क्षेत्र में। लेकिन यहां तो हम कहते हैं अरे बहुत कर लिया, अब इससे अधिक सेवा कौन करेगा, इससे अधिक साधना कितना करें। महाराज कितने साधना करें, कोई कहता है महाराज कितना धन कमाए, बहुत कमा लिया, ऐसा नहीं। बस 2 महीना बैठे साहब, 2 महीना हो गए साहब बैठे बैठे, मन रुकता नहीं, कितना बैठूं, बस ये बात हो जाते हैं। सेवा में साधना में सदैव संतोष हमने मान लेते हैं, सदैव कम मानते बहुत कर लिया। लेकिन भोग में, पैसा में, पद में, प्रतिष्ठा में सदैव जी जलाते रहते हैं, जितना चाहे उतना नहीं मिला, जैसा चाहे उतना नहीं मिला, तो भोगो नरक। नरक तो भोगते आ रहे हैं आज तक। इसलिए संतुष्टि, हर समय संतोष। पातिमोक्षे च संवरो, पातिमोक्षे का अर्थ है, ये बौद्ध मत के का एक परिभाषिक शब्द है। पातिमोक्षे का मतलब है साधु नियम, और संवरो का मतलब पालन। पातिमोक्षे च संवरो, साधु नियमों का पालन। सीधी बात है, सरल शब्द में हम कहें तब जिन नियमों से चलकर, जिस नीति से चलकर हमारे अपने घर परिवार की मर्यादा सुरक्षित बनी रहे, हमारे समाज की मर्यादा सुरक्षित बने रहे, हमारी साधना सुरक्षित बनी रहे, हमारी शांति सुरक्षित बने रहे, उन 24 घंटे उन नियमों का, उन नीतियों का पालन।
चाहे घर में रहें चाहे बाहर रहें, चाहे अकेले रहें चाहे समाज में रहें, हम ऐसा कोई काम ना करें जिससे हमारे घर परिवार की मर्यादा का उल्लंघन होता हो, हमारे समाज की मर्यादा का उल्लंघन होता हो, हमारी साधुता पर, हमारी भक्ति पर आंच आती हो। इसलिए सदैव सावधानी, और हम भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, उन्माद में पड़ जाते हैं। अरे कौन देखने वाला, कौन रोकने वाला है, अभी तो है, ऐसा करना फिर देखा जाएगा आगे। कई बार हमारा मन हमको भटकाता है, इतने से क्या होगा, इतना तो चलता है, समझना। जब हमारा मन कहे, जब आपका मन कहे इतना तो चलता है, खतरे घंटी बज गई, इतना तो चलता है, किए पतन के सीढ़ी पर पांव पड़ गया, इतना चलेगा तो थोड़ा आगे चलेगा, फिर थोड़ा और आगे चलेगा, ये इतना तो चलता है, हमारा मन इतना चालाक है, हमें कहता है इतना चलता है, अभी कोई देखने वाला भी नहीं है, इतने से क्या होगा, बस यही हम फिसलते हैं, और यही आकर के हम कमजोर बन जाते हैं, यही आकर नियम को, धर्म को, मर्यादा को हम तोड़ बैठते हैं, और बाद में फिर पश्चाताप करते हैं। कभी भी मन में यह भावना लाए इतना तो चलेगा, थोड़े सा जहर है, इतना तो चलेगा, है ना, अरे आधा गिलास जहर पीते या एक छटाक जहर पीते तो मौत होता है, ये तो एक बूंद है जहर, इतना तो चलेगा, चलेगा कि नहीं चलेगा, नहीं चलेगा ना, ज्यादा आग होगी तो आग तो विनाश होगा, ये तो थोड़ी चिंगारी है, इतना तो चलेगा। जब छोटी चिंगारी नहीं चल सकती, एक बूंद जहर नहीं चल सकता, तो इतना सा चलेगा कैसे होगा भाई, यहां पर वहां सावधान है हम, और यहां मन के चक्कर में पड़ गए। इसलिए कहीं भी रहें, हर समय जागरूक, जो नियम है, जो मर्यादा है, जो नीति है, ईमानदारी पूर्वक उसका पालन। नियम का उल्लंघन हुआ, पतन की शुरुआत हुई। आदमी चाहे अपने घर में रहे, चाहे किसी मठ साधु आश्रम में, समाज में रहे, या किसी पार्टी में रहे, सब जगह का अपना एक नियम होता है, अपनी एक मर्यादा होती है, उस नियम और मर्यादा में हमारी सुरक्षा है। जितने नियम बनाए गए, जितनी मर्यादाएं बनाई गई, उसमें हमारी, वो हमारी सुरक्षा की दृष्टि से बनाए गए हैं सब के सब। ये कहना चाहिए, ये नियम, नीति, मर्यादा हमारे लिए लक्ष्मण रेखा है, उस लक्ष्मण रेखा के भीतर रहते हैं तो कल्याण, सुरक्षा, उसका उल्लंघन हुआ फिर क्लेश में पड़े। जब मारिश जो स्वर्ण मृग बनकर के आया था और राम को दौड़ाते हुए बहुत दूर ले गया, राम ने बाण मारा तो लक्ष्मण सीता धोखा देने के लिए मारिश चिल्लाया जोर से, हा लक्ष्मण हा सीते, उसकी आवाज को लक्ष्मण सीता दोनों सुना, तो सीता ने कहा कि लक्ष्मण तुम्हारे भाई पर विपत्ति आ गई है, वो तुम्हें पुकार रहे हैं सहायता के लिए, तुम जाओ। लक्ष्मण ने कहा भाभी, भैया पर विपत्ति नहीं आएगी, भैया ने मुझे आपके लिए रखा है, आपकी रक्षा के लिए रखा है, आपको छोड़कर चला जाऊं तो आप असुरक्षित हो जाएंगी। लक्ष्मण जाना नहीं चाहता था, लेकिन सीता ने कुछ ऐसी बातें कही, जबरदस्ती उन्हें भेज दिया। लक्ष्मण कहा भाभी आप नहीं मानती हैं, ठीक है मैं जाता हूं, लेकिन आप दुखी हो जाएंगी, फिर भी कहा जाता हूं। एक लक्ष्मण रेखा खींच दिया, कहानी है, लक्ष्मण रेखा खींच दिया और कहा यदि इस रेखा के भीतर आप रहती हैं तो आपका बाल बांका नहीं होता, कोई कुछ नहीं कर सकता,
और लेखा इस रेखा को उल्लंघन आपने किया तो फिर आप क्लेश में दुख में पड़ जाएंगे, साधारण रहना। लक्ष्मण चले गए, जैसे लक्ष्मण के वैसे आ गया रावण साधु वेद बना करके और भिक्षा मांगा। सीता ने भिक्षा दिया, लक्ष्मण ने कहा नहीं, रावण ने कहा मैं बंधी भिक्षा नहीं लूंगा, भिक्षा देना है तो इस रेखा के बाहर आए। अब सीता की मर्जी, रावण उस रेखा के भीतर घुस करके सीता का हरण कर नहीं सकता था। अब सीता मर्जी सीता की कि रेखा के भीतर रहना है या रेखा के बाहर आना है, रावण जबरदस्ती नहीं कर सकता था उसके साथ। रावण ने कहा मैं बंधी भिक्षा नहीं लूंगा, बातों में आ गई सीता, उस रस्म रेखा का उल्लंघन कर दिया, परिणाम क्या हुआ सब जानते हो। तो ये मर्यादा, ये नियम, साधुता के नियम, ज्ञान के नियम, सेवा के नियम, बैराग के नियम, परिवार के नियम, इस ये नियम हमारे लिए एक लक्ष्मण रेखा है। इसका उल्लंघन हुआ रावण हमें पकड़ लेगा, फिर रोते रोते बिलाप करते करते जिंदगी व्यतीत होगी। सुरक्षा में चाहते हैं, हर प्रकार से भीतर बाहर से सुरक्षित रहना चाहते हैं, निश्चिंत निर्भय रहना चाहते हैं, तो ये जो नियम मर्यादा नीति की लक्ष्मण रेखा है उसके भीतर रहना होगा हर समय, नियम नीति का मर्यादा का पालन, तो कल्याण होगा, तो शांति मिलेगी, और नहीं तो रोते रोते फिर जिंदगी व्यतीत हो जाएगी। मित्ते भजत कल्याणे, और इनके साथ तीन बातें बताई गई, इंद्रियों पर संयम, पूर्ण संतोष और ईमानदारी पूर्वक अपनी मर्यादा अपने नियम का पालन, उसके भीतर रहना। लेकिन इनके लिए क्या चाहिए, मित्ते भजत कल्याणे, कल्याण मित्र का भजन, भजन सुमिरन स्मरण, भजन सेवा, कल्याण मित्र का स्मरण और कल्याण मित्र की सेवा। कल्याण मित्र कौन, जो हमें कल्याण की तरफ प्रेरणा दे, ऐसे मित्र जो हमारे कल्याण में सहयोगी हों और हमें कल्याण की प्रेरणा दे, वो कल्याण मित्र। या कल्याण मित्र जिन्होंने अपना कल्याण कर लिया है उनसे मित्रता करना, वो कल्याण मित्र। वो कौन, निर्मल जीवन संत सदगुरु, जिनका जीवन निर्मल है, ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण है, जो कल्याण दिशा में या बढ़ रहे हैं या जिन्होंने अपना कल्याण कर लिया है, दो स्थिति है। कुछ ऐसे संत जिन्हें हम जीवन मुक्त कहते हैं, उन्होंने अपना कल्याण कर लिया है, या कुछ ऐसे संत जो दिशा में आगे बढ़ रहे हैं वे कल्याण मित्र हैं, उनकी संगति चाहिए। जीवन में संगति का बहुत प्रभाव पड़ता है। हम कल्याण चाहते हैं, शांति चाहते हैं, और संगति करते हैं लबाल लोगों के, चंचल लोगों के, जिसके जीवन में न नीति है, न मर्यादा है, न सद्गुण है, सचार है, कुछ नहीं है, मनमती आदमी, स्वच्छंद आदमी, जिसे कुछ भी बोलने में, कुछ भी करने में, कुछ भी कहने में कोई संकोच नहीं, वो हमारे मित्र हैं, उनकी संगति में हम रहते हैं, तो कल्याण होगा कैसे, शांति मिलेगा कैसे। इसलिए सदैव साधु संगति कल्याण का एकमात्र पहला दरबार कहना चाहिए, दरवाजा साधु संगति। और साधु कौन, जिन्होंने अपने को साध लिया है या जो अपने साधने में लगे हुए हैं, जिनका जो तन मन वचन से पवित्र है या पवित्र होने में जो लगे हुए हैं वो साधु। जिसके तन मन एक कथनी करनी रहनी में समानता है या जो स्थिति में रहने के लिए प्रयत्न कर रहा है वो साधु, वो कल्याण मित्र, उनकी संगति चाहिए। क्योंकि उनकी संगति में रह करके हमें वैसा आदर्श मिलेगा और वैसी प्रेरणा मिलेगी। मित्ते भजत कल्याणे,
जो विवेक वैराग्यवान संत गुरुजन हैं उनका भजन, हर समय उनकी याद करते रहना और उनकी सेवा, शुद्धा जीव मतन दितम और शुद्ध आजीविका। शुद्ध आजीविका कौन है? जो आजीविका अपनी ईमानदारी की कमाई से मिली हुई हो या दूसरों द्वारा श्रद्धा पूर्वक दी गई हो, उन चीजों से निर्वाह करना, ये शुद्ध जीव शुद्ध आजीविका है। किसी हमारी आजीविका के साधन किसी के छीन करके ना मिला हो, गलत कर्मों से ना मिला हुआ हो, तब आजीविका शुद्ध होगी। और अतंदितम, तंद्रित ना होना, मतलब असावधान ना होना, बेहोश ना होना, अतंद्रित पूर्ण जागरूक, जो हर समय होश में रहता, साधारण रहता, विवेक में जीता है। तो जिसकी आजीविका शुद्ध है और जो पूर्ण होश आवास में जीता है, पूर्ण विवेक, जिसके जीवन की प्रत्येक क्रियाकलाप विवेक पूर्वक संपादित होते हैं, ऐसे संत गुरुजन हमारे कल्याण मित्र हैं। उनकी संगति से हमारा कल्याण होगा, हमें शांति मिलेगी। इस गाथा में तथागत बुद्ध हम लोगों के लिए चार बातें बताते हैं। यदि तुम शांति चाहते हो, कल्याण चाहते हो, निर्बंधता चाहते हो, पूर्ण दुख मुक्ति चाहते हो, तो चार बातों का पालन करना। पहली बात है इंद्रिय संयम, दूसरी बात पूर्ण संतोष, तीसरी बात अपनी मर्यादा, अपने नियम, नीति सदाचार का पालन, और चौथी बात विवेक वैराग्यवान संत गुरुजनों की सेवा, उनकी भक्ति और मन से उनका चिंतन। जब इन चारों को लेकर चलेंगे तो निश्चित ही इसी जीवन में हमें परम शांति, परमानंद और परम कल्याण की प्राप्ति और अनुभूति हो जाएगी।